तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एरोमेटिक कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें हम मोस्टली जो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे वो एनिलीन होगा, और मैंने आपका फिनॉल का रिएक्शन मैंने सब बता दिया है। तो मैं इसमें आपको चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर देखने से पहले सारी जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है वो आप रिकैप करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ DDT के बारे में बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म आपका होमवर्क में, तो आपको नेट से देख के बताना है। देखो, ये बेंजीन के हर एक कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन होता है। देखो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम, तो आपको यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर देना है। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया तो देखो ये बन गया आपका, ये CCl3C डबल बॉन्ड OH, CCl3CH, पैरा पे क्या लगाया मैंने इसके, Cl, पैरा पे क्या लगाया, Cl। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ DDT हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम बहुत सारी नई नई रिएक्शन पढ़ेंगे। ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, और बेंजीन में अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, जैसे कि कंसनट्रेटेड HNO3 + कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से NO2 आएगा, NO2 लगेगा, तो ये बन गया आपका नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन। और नाइट्रो बेंजीन का देखो, मैं मेटल प्लस एसिड, M का मतलब मेटल प्लस एसिड, जैसे कि देखो SN, HCl, या फिर जिंक HCl। अगर इधर आपका मेटल प्लस एसिड है तो ये रिडक्शन होगा, और ये रिडक्शन होके आपको पता, रिडक्शन के थ्रू देखो ऑक्सीजन हटेगा, तो रिमूवल ऑफ क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन, तो आपका बन गया NH2। तो ये आपका नाइट्रो बेंजीन से आपका एनिलीन बन गया। उसके बाद में देखो NaNO2 डाला, वो भी प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर हम HNO2 भी डाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। तो देखो इससे क्या बनता है, N2+X-। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो इधर अगर आपका हेलोजन है तो इधर मैं हेलाइड लिख लेता हूँ, अगर आपका Cl होगा तो क्लोराइड, तो ये लिखा। ये ना एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट, बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा ये। तो देखो दोबारा से बता रहा हूँ, पहले बेंजीन लिया, बेंजीन में आपने नाइट्रेशन कराया तो आपने NO2 लगा दिया, उसके बाद में आपने मेटल प्लस एसिड से NO2 को कन्वर्ट कर लिया NH2 में, फिर उसके बाद में NaNO2 डाला, वो भी प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं HNO2 भी डाल सकते हैं। तो देखो NH2 किस में कन्वर्ट हो गया आपका, बेंजीन NH2+X- में, और इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। तो देखो आगे जो अपना टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अब एनिलीन के बारे में तुम समझते हो, बेंजीन के ऊपर अगर आपने NH2 ग्रुप लगाया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो देखो पहला रिएक्शन है आपका हेलोजिनेशन, पहला रिएक्शन क्या है आपका, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। जैसे कि देखो कि ये आपका एनिलीन है, अगर आपने Br2/water डाला, तो आपको पता है यार इसकी देखो ये वाला ग्रुप क्या है आपका, Ag। Ag क्यों है, क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप क्या करता है आपका, +M, तो इसकी पावर क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब समझते हो। तो देखो इसका मतलब क्या है आपका, कि पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जैसा कि आपका फिनोल में हुआ था कि ये इस ग्रुप में क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो देखो और Ag का मतलब क्या होता है आपका, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, डायरेक्टिंग
इन नेचर। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई। तो देखो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये आपका पैरा। तो देखो हर एक पोजीशन पे आपका एडिशन ऑफ हेलोजन हो जाएगा और आपने हेलोजन क्या लिया है बी आर। तो मैंने ऑर्थो पे लगा दिया बी आर, मैंने पैरा पे लगा दिया और मैंने कहाँ पर लगा दिया आपका ऑर्थो पे। दोबारा समझो हेलोजनेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ हेलोजन। NH2 जस्ट लाइक OH ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा बार एडिशन। तो देखो कितने आपके बी आर एडिशन हुए आपके, तीन। तो ये मैंने आपको समझाया। दूसरा रिएक्शन है आपका रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एसिड डेरिवेटिव। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो देखो एसिड डेरिवेटिव के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखो एसिड हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड। तो देखो इधर ध्यान से देखना कि मैंने ये एनिलीन लिया है और मैंने ये आपका ये मेरा एसिड डेरिवेटिव है ये। तो देखो तुमको ट्रिक से क्या याद रखना है, यहाँ से आपने जेड निकाला और यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाला। तो देखो क्या किया, ये आपने ऐसे किया, जेड कोई भी ग्रुप हो सकता है ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। जैसे कि देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये आपका एस्टर है, तो जेड क्या है आपका ओ आर। तो देखो क्या आया, मैं इसको पीएच बोल दूं, पीएच एनएच सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये मैंने आपको समझाया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। दोबारा समझो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है, देखो आपने यहाँ से देखो क्या निकाला, एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकाला आपने जेड, तो ये आपका बन गया। एक और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि देखो कि ये आपने लिया एनिलीन और ये आपने लिया एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में भी क्या लिया आपने एनहाइड्राइड। तो देखो आपको ये पार्ट अलग से निकाल देना है और जब ये पार्ट निकलेगा तो एक हाइड्रोजन लेके भी निकलेगा और इस वाले पार्ट को आपको किसके साथ जोड़ देना है, इसके साथ में। तो देखो क्या बना प्रोडक्ट, पी एच एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। दोबारा समझो कि ये वाला पार्ट आपने निकाल दिया अलग और इस वाले पार्ट के साथ में आपने क्या निकाला, एक हाइड्रोजन, और इस वाले पार्ट को आपने एन एच के साथ में जोड़ दिया, ये बना। अब आगे बताता हूँ इसका काम क्या है। तो अभी हम आगे देखते हैं, देखो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और इसके साथ में क्या हटाया आपने, एक हेलोजन। तो देखो क्या बनेगा आपका, तो आपने एच एक्स हटाया, यहाँ से एक हेलोजन हटाया और यहाँ से एक हाइड्रोजन। तो देखो क्या बना, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर आप इस कंपाउंड में जब बी आर टू स्लैश वाटर Br2/water का एडिशन करते थे, पॉली सब्स्टिट्यूशन होता था। आपको मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया, NH2 Br और ये आपका Br, तो ये आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन हुआ है ठीक है, पॉली सब्स्टिट्यूशन ये हुआ आपका। अब देखो ध्यान से क्यों हुआ था, क्योंकि इसकी एक्टिवेटिंग पावर क्या थी, बहुत ज़्यादा। अब इधर देखना थोड़ा ध्यान से, देखो ये वाला ग्रुप तो आपका प्लस एम कर रहा है ड्यू टू लॉन पेयर, अब ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है आपका माइनस एम। तो देखो माइनस एम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना, तो उसकी वजह से आपकी एक्टिवेटिंग पावर क्या होगी, कम। तो अब देखो ध्यान से, तो देखो डायरेक्टली बेंजीन से क्या जुड़ा है आपका प्लस एम वाला, तो ये इसका नेचर क्या होगा एजी, एजी का मतलब क्या होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव नेचर। अगर मैं अभी Br2/water का एडिशन कराऊं तो देखो क्या करेंगे, तो देखो एक बार आपके ऑर्थो पे अटैक करा दूं मैं, एक बार ऑर्थो पे अटैक करा दिया, ये मैंने ऑर्थो पे अटैक कराया, और एक बार हम कहां पर अटैक करा दें पैरा पे, तो NH C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार मैंने ये
पैरा पे अटैक करा दिया। अब एक आपको होमवर्क है कि इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें H3O+, इसका अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा, H3O+ लिखा है, ये भी H3O+ लिखा है, तो लेकिन एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोलाइसिस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और थोड़ा हिंट में दे रहा हूँ, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, तो चलो बता ही देता हूँ आपको। तो देखो इधर पार्शियल डेल पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ क्या आता है बोलो ध्यान से, पॉजिटिव की तरफ आता है आपका OH, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव, उधर क्या आता है आपका H, तो देखो इधर आपका H जुड़ेगा, इधर H, तो देखो क्या बना, तो इधर आपका NH2 हो गया, इधर आपका Br हो गया, सेम कंडीशन इधर भी, इधर आपका NH2 हो गया और पैरा पे क्या हो गया Br, तो देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मोनो सब्स्टिट्यूट। अब देखो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है, आपने बी आर एक लगाया तो मोनो बोला मैंने, ठीक है, अगर आपने मल्टीपल लगाया, तीन लगाया तो मैंने पॉली बोला। तो देखो अगर आपको एनिलीन में पॉली सब्स्टिट्यूशन करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मोनो करना है तो पहले आपको देखो क्या करना पड़ेगा, इसकी एक्टिवेटिंग पावर देखो मैंने कम किया, उसके बाद मैं अटैक कराया, उसके बाद मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से, तो प्यारे बच्चे आगे देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो देखो मैंने एनिलीन लगाया, उसमें क्या लगाया, सल्फोनिक ग्रुप, और आपको पता है सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है आपका, इप्सो ग्रुप, इप्सो ग्रुप क्या था आपके कि ये खुद हट जाएंगे, देखो ये एक्सिस में, और इसकी एक्टिवेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा, तो देखो इसका मतलब क्या है आपका एजी, एजी का मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, तो देखो हर एक पोजीशन पे आपका अटैक करेगा, तो देखो इधर आपका एन एच टू आया, इधर आपका बी आर, ऑर्थो दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दी, उसके बाद मैं पैरा पोजीशन पे देखा कि यार ये तो इप्सो है ग्रुप है, तो इप्सो ग्रुप तो हट जाता है, तो देखो इप्सो ग्रुप भी हटा दिया। दोबारा समझो कि देखो सल्फोनिक ग्रुप है आपका इप्सो, तो इप्सो ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाता है आराम से, तो देखो और NH2 ग्रुप क्या है आपका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसके आपका NH2 भी होता है और आपका OH ग्रुप भी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो इसके ऑर्थो एंड पैरा सारी पोजीशन ब्लॉक हो जाएंगी, वो भी कैसे, पॉली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो ये इप्सो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। देखो OH ग्रुप भी क्या है आपका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मैंने बताया था OH और NH2 क्या है सेम, तो देखो मैंने सेम रिएजेंट लिया है, और ध्यान से सुनना ये भी आपका क्या है इप्सो ग्रुप, अब मैंने इप्सो ग्रुप आपको पढ़ाया है CME3 और CR3 SIME3 SR3 सल्फोनिक, ये सब मैंने इप्सो ग्रुप के बारे में आपको बताया, तो देखो क्या होगा, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका, कि देखो मैं क्या कर दूं, बस OH Br, ये इप्सो ग्रुप था तो इप्सो ग्रुप हट जाएगा, तो Br, तो देखो OH ग्रुप की एक्टिवेटिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा, तो देखो Br आपका ऑर्थो पे लग गया, ऑर्थो पे लग गया, ऑर्थो पे लगने के बाद में, और इधर पता चला पैरा पे कौन सा ग्रुप है आपका इप्सो, तो उसको भी हटा देगा। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इनमें ना मैंने इप्सो का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया और मैंने पॉली सब्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल किया। अब देखो इधर एम ई, अब ये आपका इप्सो ग्रुप नहीं है यार, ये आपका इप्सो ग्रुप नहीं है, जब इप्सो ग्रुप नहीं है तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपका, आपको इप्सो ग्रुप याद रखने पड़ेंगे, देखो Br और ये वाला आपका इप्सो ग्रुप नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा ही है, बाकी जितनी भी ऑर्थो पोजीशन है सभी पे उसने अटैक कर दिया, पैरा पोजीशन ब्लॉक है और एम ई ग्रुप आपका इप्सो ग्रुप नहीं है, तो वो नहीं हटेगा, ये वाली बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं हम फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, वो भी किसमें, NH2 में, तो देखो मैंने आपको बताया था ऐसे हटा के, ठीक है, ऐसे हटा के आपकी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन आपकी नहीं होती, दोनों फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी और फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन भी, तो मैंने क्यों, मैंने रीजन बताया था, देखो रीजन बताता हूँ मैं आपको,
शायद याद हो आपको, देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, किसकी तरह, लुईस बेस की तरह। और AlX3 क्या है आपका, AlX3 लिखा है ये मैंने, चलो दोबारा से लिख देता हूँ, AlX3 क्या है आपका, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो देखो ऐसे रिएक्शन होगी आपकी एसिड बेस रिएक्शन, AB रिएक्शन का मतलब क्या, एसिड बेस रिएक्शन। तो देखो आपका क्या बना, तो देखो इधर बना आपका NH2 पॉजिटिव और इधर बना आपका AlX3 नेगेटिव लिखा है। अब आपको पता है बेंजीन से डायरेक्टली ये वाला ग्रुप कनेक्टेड है, और ये वाले ग्रुप कोई भी ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर जी कोई भी ग्रुप है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो हाईली माइनस आई ग्रुप शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि देखो NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, तो ये वाले ग्रुप हैं आपके, तो ये अगर हाईली माइनस आई करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेगा। और मैंने आपको बताया था फेडल क्राफ्ट रिएक्शन किसमें नहीं होती, जिसमें आपका बेंजीन में आपका माइनस एम का ग्रुप लगाए या फिर आपका स्ट्रॉन्ग माइनस आई का ग्रुप। दोबारा समझाता हूँ, देखो एनिलीन में फेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, ना तो अल्काइलेशन ना एसाइलेशन, इसके पास में लोन पेयर है तो लुईस बेस, ये लुईस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और ये क्या करेगा आपका, अब स्ट्रॉन्ग माइनस आई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि देखो ग्रुप NR3 SR2 ETC, ये क्या करेंगे आपके हाईली माइनस आई इफेक्ट। तो ये समझाए अच्छे से, पहले ये देखो अच्छे से सही से। तो अभी आगे देखते हैं हम, तो देखो अगर मैंने नंबरिंग की तो नंबरिंग अपने आप कर लेना आप, ठीक है, मैं बस हेडिंग डाल के लिख रहा हूँ। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो देखो ये एनिलीन लिया और ये कंसनट्रेटेड HNO3 लिया आपने, आपको पता है एसिड, तो देखो इसमें देखो ध्यान से सुनना, ऑर्थो वाला कितने परसेंट मिल रहा है आपका, 2%, मेटा वाला कितने परसेंट मिल रहा है आपका बोलो, 47% सॉरी, और पैरा वाला कितने परसेंट मिल रहा है आपका, 51%। अब आपका एक कहना होगा सर ये मेटा वाला कहाँ से आ गया, इसका नेचर तो आपका AG है, तो AG का मतलब होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, तो यार ये मेटा वाला कैसे बन गया। तो देखो मैं रीजन बताता हूँ, देखो आपको पता है कि ये मैंने NH2 लिया, ठीक है, ये मैंने NH2 लिया, NH2 के पास में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और देखो क्या हुआ कि आपका ये एसिड है, एसिड ने H+ दिया, तो देखो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो देखो क्या हुआ, ये NH3 पॉजिटिव आ गया, ये वाली बात समझ में आई। अब आपको पता है NH3 पॉजिटिव या NR3 पॉजिटिव या SR2 पॉजिटिव, ये आपके करते हैं हाईली माइनस आई इफेक्ट आपके शो करते हैं। तो देखो अब ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ये क्या हो गया आपका DG ग्रुप, और DG ग्रुप क्या होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखो इसलिए ये आपका मेटा वाला वही प्रोडक्ट बना है, इसको ध्यान से सुनना, ये कई बार आ भी चुका क्वेश्चन। एनिलीन में कंसनट्रेटेड HNO3 डाला तो ऑर्थो का कितना परसेंट मिला, 2%, मेटा का कितना, 47%, पैरा कितना, 51%। अब रीजन क्या है आपका मेटा वाले का, तो देखो रीजन क्या है आपका कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और एसिड से H+ आया तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती हैं, और उससे बना आपका सॉल्ट, और सॉल्ट में जो ग्रुप बना वो कर रहा है आपका हाईली माइनस आई इफेक्ट, तो हाईली माइनस आई इफेक्ट कर रहा है तो वो करेगा आपका, माइनस आई का मतलब क्या है DG, और DG का मतलब क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग नेचर, तो मेटा डायरेक्टिंग नेचर है तो उसके देखो मेटा पे भी प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखो मेटा पे भी आपका कितने परसेंट प्रोडक्ट मिला आपका बोलो, 47%, और पैरा पे 51%, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो ये मैंने एक बार आपको करा दिया, दोबारा से करा रहा हूँ, रिएक्शन विद NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और प्लस एसिड लिया या फिर HNO2 लिया, तो देखो क्या करते हैं, एनिलीन आपका
ये एनिलीन है, ये मैंने एनिलीन लिखा है, राइटिंग में एडजस्ट करना, ठीक है। NaNO2 है आपका और एसिड है, या फिर HNO2 भी ले सकते हैं। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये आपका बेंजीन बनाया, N2 पॉजिटिव बनाया, प्लस X नेगेटिव बनाया, ये आपका सॉल्ट होता है। तो देखो इसका नाम क्या है, बेंजीन, इसको डाइजोनियम बोलते हैं, इसको हैलाइड बोलते हैं। तो बेंजीन, डाइजोनियम, हैलाइड, और ये क्या है आपका सॉल्ट, ये आपका बेस्ट इंटरमीडिएट है, बेस्ट इंटरमीडिएट है ये आपका, जो आपका काम में आएगा बहुत ज़्यादा। दोबारा सुनो, अगर एनिलीन लिया आपने, NaNO2 डाला और वो भी एसिडिक मीडियम में, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो HNO2 डालो, तो इससे बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसका आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। तो प्यारे बच्चे आगे देखो ध्यान से, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड के बारे में देखेंगे कि वो कैसे रिएक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना। तो देखो जो आपका बेंजीन, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड जो होता है, इसका स्ट्रक्चर ये बनता है। तो देखो आपको पता है इसके पास में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास में भी एक लोन पेयर है, तो देखो इसके पास में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे, 2, 4, 6। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे, 2, 4, 6। ये समझ में आया। अब आपको पता है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाई की तरह। तो देखो इधर आपका कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर देखो मैं इधर रेजोनेंस करा दूं ऐसे, तो देखो क्या हुआ, तो देखो मैंने ऐसे रेजोनेंस कराया, तो मैं रेजोनेंस का साइन बना रहा हूँ, और मैंने तो इधर पॉजिटिव बना और इधर आपका ये बन गया। तो देखो इधर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना अच्छे से आता है और आपको समझ में भी आ रहा है। तो देखो यार इधर आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर आपका 6 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका 8 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाई की तरह काम कर सकता है, जब इलेक्ट्रोफाई की तरह बिहेव कर सकता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब देखो इसका ऑक्टेट दोनों जगह कंप्लीट आ रहा है, तो देखो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल लिया हमने और यहाँ पर अप्रोच किया और N2 को निकाल दिया, तो देखो -N2 और ये यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका, न्यूक्लियोफाई। तो देखो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोबारा सुनो, इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूक्लियोफाई ने इधर अटैक किया, ये निकले, देखो जब ये निकलेगा तो इधर पॉजिटिव बनेगा ना, ये ऐसे निकला तो इधर पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी होगी वो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाई पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो उधर अटैक करेगा और NU को निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तो देखो आपने क्या किया, N2 को निकाल दिया, एलिमिनेशन किया, और न्यूक्लियोफाई को क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका दूसरा नाम भी है आपका कपलिंग रिएक्शन। तो देखो मैंने आपको इसका अभी स्ट्रक्चर बताया कि देखो जब इलेक्ट्रोफाई की तरह बिहेव करेगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा। तो देखो अगर ये वाला ग्रुप आपका, इधर देखो मैंने जीकेवी में लिखा है कंडीशन फॉर कपलिंग क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, इधर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा देखना कि वो प्लस एम करना चाहिए आपका। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब समझते हो कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बेंजीन में प्रोवाइड करे, तो वो कौन करता है आपका, प्लस एम, या फिर बहुत ज़्यादा जो ग्रुप आपका प्लस आई कर रहा है, ठीक है। तो देखो जनरली आपका मोस्टली टाइम आपका प्लस एम होगा। तो देखो इसका नेचर है AP का मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो बोलो कहाँ पर कपलिंग अच्छी होगी आपकी, पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो देखो ये आपका मैंने क्या कर दिया, कपलिंग कर दी। कपलिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन, यहाँ तो समझ में आया। अब देखो जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है उसको हम एजो कंपाउंड बोलते हैं, और एजो कंपाउंड जनरली डाई बनाने के काम में आते हैं। जो डाई कौन से कलर की, मोस्टली टाइम येलो या ऑरेंज। दोबारा समझो कि देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इधर आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके इलेक्ट्रोफाई की तरह काम करा, उसके पैरा पे अटैक करा दिया। ऑर्थो पे अटैक क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपका ऑर्थो पे आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जी ग्रुप क्या होना चाहिए, हाईली एक्टिवेटिंग, मतलब प्लस एम, ध्यान रखना प्लस एम, इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। तो देखो
पैरा पे जाके अटैक करा दिया तो कपल हो गए दोनों, दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ गए। तो इस एन डबल बॉन्ड एन को हम क्या बोलते हैं, जो कंपाउंड जो जनरली क्या बनाते हैं, डाई, और डाई कौन से कलर की, येलो और ऑरेंज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा है। देखो अभी आगे ध्यान से, मैंने आपको बताया कपलिंग में आपका जो जी ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, हाईली एक्टिवेटिंग। तो ये वाली बात आपको समझ में आई। इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब क्या है, जी ग्रुप आपका क्या करना चाहिए, आपका प्लस एम। तो देखो आगे, तो देखो मैंने ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, टोटल 7 कंपाउंड है, इसमें आपको पता करना है कि कपलिंग होगा या नहीं होगा। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि पहले आप ग्रुप का नेचर पता कर लो, जैसे ये सल्फोनिक है, ये मिथॉक्सी है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, और ये NO2 है। एल्कोहल में OH को बोला, मैं ऐसे कंपाउंड का पूरा नाम है फिनोल, ठीक है, ये फिनोल है, ठीक है, ये आपका NME2 है, ठीक है। तो देखो यार, तो देखो इस पे तो कोई ग्रुप नहीं है, तो कोई ग्रुप नहीं है तो ये नहीं करेगा कपलिंग, ये माइनस एम करता है तो माइनस एम वाला भी ग्रुप नहीं करेगा कपलिंग। ओनली कौन सा ग्रुप आपका कपलिंग करेगा, जिस पे आपका प्लस एम का ग्रुप हो। देखो आप आके ध्यान से देखो, और एक चीज़ याद रखना कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी भी याद होती हैं, कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको डायरेक्टली याद भी रखनी है, ठीक है। तो देखो आगे, अब OH प्लस एम करेगा, आपको पता प्लस एम हाईली एक्टिवेटिंग है तो ये करेगा आपका, ये माइनस एम है तो ये भी नहीं करेगा, ये क्या आपका प्लस एम करता है तो ये भी करेगा, ये आपका माइनस एम करता है तो ये नहीं करेगा, अब देखो ये भी आपका प्लस एम करता है तो ये भी करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार एडवांस में आया था। अब देखो आगे, अब ना मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की या हैलाइड की, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप रिएक्शन करोगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की किसके साथ में, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का कैसे करेंगे। तो देखो आपको पता है ये वाला ग्रुप निकलता है तो इधर पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो देखो ध्यान से, CuCl और HCl, ठीक है, तो इधर से देखो Cl नेगेटिव आएगा तो Cl नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखो क्या बना PHCl, और देखो CuBr HBr, तो देखो यहाँ से Br आएगा तो कहाँ पर अटैक करेगा, ये PH में बेंजीन बना रहा हूँ इतनी जगह नहीं, समझ जाना, CuCN, तो इधर से क्या आएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी कंपाउंड मैंने इधर दे रखे हैं, जितने भी रिएजेंट मैंने दे रखे हैं, इनसे जो न्यूक्लियोफाई आएगा वो अटैक करेगा, बाकी इसको निकाल देगा, बहुत आसान है। तो इधर से सी एन नेगेटिव आएगा अटैक करेगा तो पी एच सी एन खत्म, इधर से बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव माइनस तो आई माइनस आएगा तो पी एच आई। अब इधर से देखो एक चीज़ समझना, इधर से एफ माइनस आता है, ठीक है, तो बोलो क्या आएगा, पी एच एफ, उसके बाद में सी यू एस सी एल, ये गटरमैन रिएक्शन है, ये मैंने समझाया, इधर से क्या आएगा आपका सी एल नेगेटिव, तो ये मैंने सी एल लिख दिया, इधर से क्या आएगा आपका पी एच बी आर, तो देखो ये बी आर नेगेटिव इधर से आया, सी एल नेगेटिव इधर से आया, एफ नेगेटिव इधर से आया, आई नेगेटिव इधर से आया, ये सी एन, तो जो मैंने हाईलाइट किया वो आपके न्यूक्लियोफाई थे, न्यूक्लियोफाई इधर अटैक किया और इसको निकाल दिए, ये वाली बात समझ में आई आपको, बहुत आसान चीज़ है। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आई तो ऐसे देख लो कि मैंने ऐसे अटैक किया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द प्लेन, नो रेजोनेंस, और नो रेजोनेंस का मतलब कि हाईली अनस्टेबल, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर अटैक करेगा और ये बना लेगा। तो देखो स्टार्टिंग की इन तीन रिएक्शन का नेम रिएक्शन नेम होता है आपका सेंड मेयर रिएक्शन, इन दोनों का नाम होता है आपका गटरमैन रिएक्शन। तो ये मैंने समझाया आपको, दोबारा से समझा सकता हूँ, बस एक चीज़ याद रखना, इधर से जो न्यूक्लियोफाई इधर अप्रोच करेगा ये निकल जाएगा, बस खत्म। और ये मैंने आपको समझाया, अगर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो भी किस में, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में। अब देखो आगे, इधर ही देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो अगर मैंने बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ले रखा है, अगर मैंने H3PO2 डाला, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इधर से H+ आता है, ठीक है, H+ आके ये वाला ग्रुप हट जाता है, तो ऐसे समझो कि ये बेंजीन बना देता है यार, तो ये वाला थोड़ा रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो कि H3PO2 के साथ में अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, NCERT में है आपका, तो
बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को अगर मैं H3PO2 के साथ मिलाऊँ तो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। एक अब आपका होमवर्क है, इधर दूसरा रिएजेंट भी होता है, इसके अलावा हम दूसरा भी रिएजेंट ले सकते हैं, तो वो आपको बताना है कौन सा हो सकता है। ध्यान से ये आपको याद रखना है, मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ और अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखो ध्यान से आगे, तो देखो मैंने सेलेक्टिव रिडक्शन लिखा है। सेलेक्टिव का मतलब क्या है, देखो इधर एक NO2 है, इधर क्या है दूसरा NO2 ग्रुप, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं NO2 का रिडक्शन कराऊं तो देखो किस में कन्वर्ट होता है, वो NH2 में, ठीक है। तो देखो इसमें से और इसमें से किसी भी एक ग्रुप का रिडक्शन हो सकता है, वो भी किस में, NH4SH में या फिर Na2S में। तो देखो किसी भी एक का रिडक्शन कर लो, तो मैंने ऊपर वाले का रिडक्शन कर लिया, तो ऊपर वाला मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से देखो NH2 में। अब देखो यार इधर, अब ना इधर मैंने देखो ये आपका NO2 है, ये भी क्या है आपका सेम रिएजेंट है आपका। तो देखो अब ना अब ऐसी कंडीशन आए कि देखो आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस आए, तो देखो इस ग्रुप के पास में इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके पास में कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले का रिडक्शन करना है। तो देखो ये ऐसा का ऐसा ही रहा और इसका आपने रिडक्शन कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका NH2 में। अब इधर बोलो देखो ये तो बीच में, तो इसके पास में तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये आपका अलग है, तो देखो रिडक्शन किसका होगा, इसका, इधर इसका हुआ है। तो बोलो अगर आसान भाषा में बोलूँ तो जिसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसका आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि देखो इसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस कम था तो इसका रिडक्शन कर दिया मैंने, ठीक है। इसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस था तो इसका रिडक्शन कर दिया, और बाकी सभी जो भी ग्रुप है सेम के सेम है। इसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा क्यों, क्योंकि मिथाइल और नाइट्रो के बीच में आपका फंसा हुआ है। आप चाहो तो इसमें और इसमें किसी का भी रिडक्शन कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या है, सेलेक्टिव, ओनली एक ग्रुप का रिडक्शन करेगा, वो भी सेलेक्ट किसको करेगा, जिसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या आएगा आपका कम। तो देखो यार इस रिएक्शन का एक नाम है जिनिन रिडक्शन, थोड़ा ऐसा ही नाम है, याद रखना। तो देखो यार यहां पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड आपका खत्म होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने अपना कोशिश की अच्छे से पढ़ाने की, और पढ़ते रहो। दूसरा कुछ चीज़ें बोलनी है मेरे को आपसे, कि देखो अगर आपको क्वेश्चन और चाहिए तो मुझे बताएं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, एडवांस लेवल का भी पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। आपको क्या याद रखना है, कि जो भी हर एक लेक्चर में जो जो चीज़ मैंने बोला है कि ये याद रखना है, जैसे कि NO2 को किस में कन्वर्ट कर दो आप रिडक्शन के थ्रू NH2 में, तो कुछ चीज़ें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखनी होती है, ठीक है। हर एक के पीछे रीजन होता है, लेकिन बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अच्छे से पढ़ो। और धन्यवाद तुम्हारा जो तुमने इतनी हेल्प किया हर एक फैकल्टी का, क्योंकि हर एक फैकल्टी बहुत सारे एफर्ट लगा के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे हैं, घर वालों को शांत रखना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। दूसरा गर्मी भी बहुत है, तो पढ़ें अच्छे से, हमारा पूरा साथ है आप लोगों के साथ में, ठीक है। बाय, अब ये छाप लें।